अखिल भारतीय मोंगिया आदिवासी समाज प्रांतीय अध्यक्ष के आदेशानुसार मल्हारगढ़ एसडीएम को ज्ञापन देकर जाति का प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर ज्ञापन समाज के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान सुरूठ द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारी समाज के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और रोजगार पंजीयन में एसटी दर्ज कराने हेतु ज्ञापन एसडीएम मल्हारगढ़ को दिया था, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। तत्पश्चात सात सूत्री मांगों को लेकर मल्हारगढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे। पढ़े लिखे युवाओं को एसटी के प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी मान्य नहीं किए जा रहे हैं। एसटी प्रमाण पत्र होने के बावजूद समग्र आईडी में एससी दर्ज किया जा रहा है, रोजगार पंजीयन में एससी दर्ज किया जा रहा है, पिता का प्रमाण पत्र एसटी और पुत्र का एससी का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। नौकरियों में सिलेक्शन होने के बाद भी प्रमाण पत्र समग्र आईडी के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शासन प्रशासन और सरकार की तानाशाही से समाज में आक्रोश है। हम अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर मोंगिया समाज में काफी आक्रोश की स्थिति है। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से लगातार कई बार और मुख्यमंत्री तक शिकायती पत्र लिखा, परंतु तब भी स्थानीय तहसील द्वारा उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। समाज के लोगों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है और समाज के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान ने समाज जनों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की है। ईश्वर पवार की रिपोर्ट। हमारे गांव सोखड़ी में अभी मोंगिया समाज के लिए राहुल भाई हमारे गांव सोखड़ी में पहुंचे हैं। ये आदिवासी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, इसीलिए ये गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बिगड़ रहा है। भाई और बहनें हमारी गांव-गांव में घूम रही है और प्रमाण पत्र बनाने के लिए भाजपा सरकार ने बिल्कुल ही बैंड लगा दिया। दो साल पूर्वक पहले कागजात भी दिए थे हमारे को मल्हारगढ़ तहसील में, तारीख भी फिक्स हो गई थी, उसके बाद में वो निरस्त कर दी गई। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि सरकार से हमारा मोंगिया समाज का प्रमाण पत्र बनाए रखे और ये काम हमारा सफल बनाए। कोमल कुमार, गांव सोखड़ी। प्रमाण पत्र की समस्या को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन मोंगिया समाज द्वारा मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर रखा गया है, जिसको लेकर गांव-गांव जाकर और लोगों को जागरूक करके ये पत्र दिए जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रमाण पत्र की समस्या को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मल्हारगढ़ बस स्टैंड पहुँचे, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं और हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसी को लेकर समाजजनों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वो